So, in the series of acid-base balance, in the previous lecture, we have discussed about the buffer system, which is responsible for acid-base balance. So, in today's lecture, we will discuss about the respiratory mechanism of acid-base balance, कि आपका जो lungs हैं, किस तरीके से acid-base balance को maintain करते हैं. चलिए, start करें. तो, आपको ध्यान में क्या रखना है जब हमने बोला था कि बफर सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है हमें पता था कि बफर सिस्टम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ही काम करना स्टार्ट कर देता है इसीलिए जैसे ही बॉडी में आपका एसिड बेस इंबैलेंस हुआ तो उसके कुछ ही सेकंड में आपका क्या हुआ बफर सिस्टम ने काम करना स्टार्ट कर दिया और आपकी बॉडी में बैलेंस करना स्टार्ट किया कि किस तरीके से एसिड बेस बैलेंस होता है उसमें हमने तीनों बफर सिस्टम डिस्कस किए थे पहला था बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम नेक्स्ट था आपका फास्फेट बफर सिस्टम और लास्ट था आपका प्रोटीन बफर सिस्टम तो ये तो हम कर चुके बफर सिस्टम कैसे करता है मैंने आपको बताया था कि जो सेकेंड लाइन है आपका डिफेंस का ठीक है डिफेंस अगेंस्ट एसिड बेस इम्बैलेंस ठीक है बॉडी में अगर एसिड बेस इम्बैलेंस हो रहा है तो सेकेंड लाइन डिफेंस क्या है हमारा रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म अब रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म के थ्रू कैसे हम एसिड बेस बैलेंस कर सकते हैं आप जानते हो कि जब हमारा रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या होती है प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज है ना हम क्या करते हैं ऑक्सीजन इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं यही होता है तो अब आप खुद सोचिए आपको पता होना चाहिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो बहुत आपके ब्लड में एसिडिक कंपोनेंट की तरह वर्क करती है बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर क्या होता है आपका एसिडिक होता है ध्यान रखेंगे हमेशा ठीक है तो अब देखिए अगर आपके ब्लड में आपका एसिडिटी बढ़ गई ठीक है और एसिडिटी का आपको मैं एक पॉइंट बता देती हूँ कि हमारा जो एसिड प्रोडक्शन होता है ना बॉडी में जितना भी एसिड प्रोडक्शन हो रहा है वो दो फॉर्म में होता है वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स के फॉर्म में तो वॉलेटाइल कंपोनेंट में आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सबसे मेजर आपका आप बोल सकते हो कंपोनेंट है जो हमारी बॉडी में बन रहा है इन द फॉर्म ऑफ एसिड ठीक है और नॉन वॉलेटाइल की कैटेगरी में आपके बाकी सारे एसिड आ जाते हैं चाहे वो लैक्टिक एसिड हो यूरिक एसिड हो आपका आप बोल सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड अगर आपका है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपकी बॉडी में बन रहा है ये सारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं नॉन वॉलेटाइल एसिड की कैटेगरी में आते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो एसिड प्रोडक्शन हो रहा है उसका मेजर जो पार्ट है वो कौन सा है वॉलेटाइल है ठीक है और वॉलेटाइल में कौन सा आता है केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है तो इसका मतलब अगर हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा हो जाए ठीक है तो उसकी वजह से ब्लड क्या हो जाएगा आपका एसिडिक हो जाएगा है ना हमने क्या बोला था कि जो हमारा ब्लड का पीएच है वो कितना होता है हमारा 7.4 ठीक है तो अगर आपका CO2 का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए वो रीजन कुछ भी हो सकता है CO2 का लेवल अगर आपकी ब्लड में ज्यादा हो रहा है ठीक है तो CO2 क्या करता है CO2 का नेचर ही क्या है ये क्या है आपका एसिडिक है ठीक है एसिडिक है आपका तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे इस एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करवा सकता है तो बहुत सिंपल शायद आपको आइडिया मिल गया होगा हमारा जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम किया है आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का है ना CO2 को अंदर लेने का तो क्या होगा जब सपोज मान लो आपकी ब्लड में CO2 का लेवल ज्यादा हो गया तो उस केस में क्या होगा आपका जो लंग्स है वो ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम CO2 बाहर निकाली जाए है ना ताकि आपका जो एसिडिक पीएच हुआ है ब्लड का उसे कहां की ओर लेके जाया जाए बेसिक की ओर समझ में आया कि अगर CO2 का लेवल बढ़ने की वजह से आपका एसिडिक हुआ सपोज आपका जो अभी ब्लड का पीएच है होना चाहिए था 7.4 बट वो कहां पहुंचा है आपका 5.5 के अप्रोक्स पहुंचा हुआ है ठीक है यानी कि आपका क्या हो चुकी है ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं जब आपका एसिडिक आपका कंटेंट ज्यादा हो जाता है इस सिचुएशन को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस ठीक है एसिडोसिस हो चुकी है ठीक हो गया और मेटाबॉलिक क्यों बोला क्योंकि आप जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड बन कहां से रही है बेटा आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रही हैं उन्हीं से तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुई है टिश्यूज लगातार प्रोसेस कर रहे हैं ग्लाइकोलिसिस हो रही है अलग अलग साइकिल्स आपकी बॉडी में चल रही है वहीं से तो कार्बन डाइऑक्साइड बना है एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में तो इसीलिए क्या हुआ मेटाबॉलिक एसिडोसिस ठीक हो गया अब होगा क्या अगर एसिडोसिस की सिचुएशन आ गई तो अब आपकी बॉडी के पास क्या ऑप्शन रह जाता है अगर हम रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं जो मैकेनिज्म हम अभी हम करने जा रहे हैं डिस्कस वो क्या है हमारा रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है तो हमें बाकी मैकेनिज्म को भूल जाना है बफर हम पढ़ चुके हैं
ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं सेकेंड मैकेनिज्म की, जो कि हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। तो होगा क्या, देखो CO2 की वजह से आपका एसिडिटी बढ़ी है तो लंग्स के ऊपर जिम्मेदारी आ गई, उस CO2 को बाहर निकाल लेगी, ठीक है। और अगर इसका अपोजिट हुआ, अपोजिट मतलब सपोज अगर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन सपोज कम हो गई है, ठीक है, आपके ब्लड में CO2 का लेवल कम है, तो इसकी वजह से क्या होगा, CO2 कम होने की वजह से क्या होगा, एल्कलोसिस हो जाएगी, ठीक है। कौन सी एल्कलोसिस? मेटाबोलिक एल्कलोसिस अगेन, ठीक है, मेटाबोलिक वर्ड आपको ऐड करना है। तो सपोज CO2 का लेवल कितना हो गया है आपका, हम बोलते हैं कम हो गया है, तो आपका जो pH रहेगा, pH आपका लगभग पहुंच गया है 8.5 के अप्रोक्स पहुंच चुका है, ठीक है। दोनों सिचुएशन आ सकती है बॉडी में, कभी भी आ सकती है, ठीक है, एसिडोसिस भी हो सकती है और एल्कोलोसिस भी हो सकती है। अब आपका रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म कैसे इसे बैलेंस करेगा, ठीक हो गया। तो होता क्या है, जब भी ऐसी सिचुएशन हमारी बॉडी में क्रिएट होती है, तो आपको पता है आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो आपका रेस्पिरेटरी सेंटर जहां पे प्रेजेंट है, कौन सा पार्ट है, मेड्यूला ऑब्लॉन्गाटा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जो पॉन्स है, पॉन्स में भी आपके सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम एपिनोस्टिक और न्यूमेटॉक्सिक सेंटर बोलते हैं, जो मेड्यूला ऑब्लॉन्गाटा के साथ मिलके हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, ये सबको पता है। मोस्टली जो वाइटल सेंटर्स हैं हमारे, वो मेड्यूला ऑब्लॉन्गाटा में ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो होगा क्या, जब भी बॉडी में आपकी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जहां पे या तो ज्यादा एसिडिटी हो गई है या बेसिसिटी हो गई है, ठीक है, या तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो चुकी है या फिर एल्कलोसिस हो चुकी है, ऐसे केस में ब्रेन के पास मैसेज जाएगा, स्पेशली मेडुला ऑब्लॉन्गाटा के पास। ऑब्लॉन्गाटा जो है वो वहां पे रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट है, ठीक है। अब वो जो है आपका मेडुला ऑब्लॉन्गाटा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रिएक्ट करेगा, करेगा या नहीं करेगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो अलग तरीका रहेगा, तो एसिडोसिस के केस में क्या करेगा बताओ, CO2 की वजह से ही तो हुई है, CO2 के ज्यादा होने की वजह से एसिडोसिस हुई है ना, तो क्या करेगा, फटाफट से आपका CO2 को बाहर निकलवाने की कोशिश करेगा, लंग्स को यह मैसेज जाएगा कि फटाफट आपको CO2 को बाहर एक्सपेल करना है, क्लियर। वहीं दूसरी ओर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम है और पता है कि एल्कोलोसिस हुई है, तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे, आपका जो मेडुला ऑब्लॉन्गाटा है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि CO2 बाहर निकले, बिकॉज अगर CO2 बहुत जल्दी बाहर निकलने लगी तो सिचुएशन आपकी क्या होने लगेगी, CO2 का लेवल और कम चला जाएगा, जो एल्कोलोसिस हुई है वो और भी ज्यादा वर्स्ट हो जाएगी, समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है। तो देखें किस तरीके से आपका मेडुला ऑब्लॉन्गाटा वर्क करता है अंडर बोथ सर्कमस्टांसेस। तो ये तो था हमारा बेसिक, तो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, मेन वैसे यही है। तो होता क्या है, आपका मेन जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है मेड्यूला ऑब्लॉन्गाटा, ठीक है, ऑब्लॉन्गाटा, तो दोनों सिचुएशन में ये अलग तरीके से वर्क करेगा। तो सबसे पहली सिचुएशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इन केस ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जब आपकी एसिडोसिस हुई है, यानी कि जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा हुआ है, ठीक है, उस केस में मेडुला ऑब्लॉन्गाटा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, तो वो क्या करेगा आपका, इट विल लीड टू हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है। क्या होगा, क्या सिचुएशन आएगी आपका, जो मेडुला ऑब्लॉन्गाटा है वो क्या करेगा, हाइपर वेंटिलेशन करेगा। हाइपर वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है, जो आपका इंडिविजुअल है जिसकी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुई है, उसका जो लंग्स है उसमें कैसी ब्रीदिंग होने लगेगी, आपकी डीप और फास्टर ब्रीदिंग होने लगेगी, बहुत ज्यादा गहरी सांस लेगा और बहुत फास्ट फास्ट ब्रीदिंग होगी। तो जब फास्ट फास्ट ब्रीदिंग होगी तो उसकी वजह से क्या होने वाला है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 फटाफट आपका क्या होगा, लंग्स के थ्रू बाहर निकलेगा, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब हाइपर वेंटिलेशन मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है कि आपकी डीप एंड फास्टर ब्रीदिंग, ठीक है, और ऐसी ब्रीदिंग को एक वर्ड बोला जाता है, ये वर्ड आपका साइंटिस्ट के नेम में दिया हुआ है, कुस्मॉल ब्रीदिंग, ओके, ये साइंटिस्ट थे, इनके नेम पे ये ब्रीदिंग को दिया हुआ है नेम। सो जब भी ऐसी सिचुएशन आई कि एसिडोसिस हुई तो हाइपर वेंटिलेशन हुआ, हाइपर वेंटिलेशन में क्या हुआ, फटाफट से जो इंडिविजुअल है वो बहुत डीप और फास्ट ब्रीदिंग करने लगा। तो जब ये फास्ट ब्रीदिंग करेगा तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आएगा आपका, इंक्रीज्ड CO2 रिमूवल, है ना,
जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। तो CO2 बॉडी से रिमूव होगा बहुत जल्दी, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो एसिडोसिस है वो क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी, यानी कि आपका जो पीएच है वो आपका नॉर्मल की तरफ जाने लगेगा। सपोज अगर एसिडोसिस की वजह से, अभी हमने एग्जाम्पल लिया था प्रीवियस जब हमने लिखा था, 5.5 अगर हो गया था पीएच, तो यहाँ पे कहीं वापस कितना पहुंच जाएगा, ये 7.4 के अप्रॉक्स पहुंच जाएगा। तो ये था इन केस ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, मेडुला ऑब्लंगाटा है, वो कैसे रिएक्ट करता है, हाइपर वेंटिलेशन कॉज करता है ना, और हाइपर वेंटिलेशन में क्या होता है, किस तरीके से बैलेंस हुआ। अब बाद यहाँ पे एक और पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी इंडिविजुअल को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है तो आप कैसे उसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। जब भी किसी को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ होता है तो उसका जो आपकी थर्स्ट है, प्यास है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, और जब वो प्यास बढ़ गई तो उसकी वजह से क्या हुआ आपका, ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक आपका बढ़ जाएगा, तो यूरिनेशन आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। एपेटाइट बहुत कम हो जाती है, एपेटाइट का लॉस हो जाता है, इंसान को भूख बहुत कम लगती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट जॉइंटिस के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जो आपकी स्किन है वो पेल कलर की हो जाएगी, ठीक है, ये भी आपका क्या है, साइन है ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इवन जो पर्सन है वो बहुत ड्राउजी सा फील करेगा, चाहे उसने कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं है कि उसने कुछ काम किया है या थका हुआ है, फिर भी उसे क्या होगा, नॉर्मल सिचुएशन में भी वो ड्राउजी सा फील करेगा। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस बेसिकली, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। तो ये तो था आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस के केस में आपका मेडुला ऑब्लंगाटा किस तरीके से रेस्पॉन्ड करेगा। अपोज टू दैट इन मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, अगर सिचुएशन आई मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की, यानी कि जहां पे आपका CO2 कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है, पीएच जो है फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा था ये पहुंच चुका है लगभग 8.4 की रेंज में, ये हमारा पीएच पहुंच चुका है, ठीक है। अब इस केस में आपका मेडुला ऑब्लंगाटा क्या करेगा, तो और मैं बार बार बोल रही हूं, देखो आप ऐसा सोचो कि मैम एसिडोसिस को CO2 से ही क्यों लिंक कर रही है, स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर मैं बता चुकी हूँ कि जो मेन एसिड प्रोडक्शन होता है वो किस फॉर्म में होता है हमारी बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होता है। रिमेनिंग जो एसिड प्रोडक्शन है वो बहुत कम होता है, ठीक है, उसका जो अमाउंट है बहुत कम है। तो इसीलिए हम जो मेन कंसीडर कर रहे हैं वो किसको करने जा रहे हैं, हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को। तो क्या हुआ इन केस ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, आपका जो मेडुला ऑब्लंगाटा है वो क्या करेगा, इट विल लीड टू हाइपो वेंटिलेशन, ठीक है। इन इन प्लेस ऑफ हाइपरवेंटिलेशन यहाँ पे क्या होगा, हाइपोवेंटिलेशन होगा। अब हाइपोवेंटिलेशन में क्या होता है, हाइपोवेंटिलेशन में बेसिकली क्या होने वाला है, अब जो भी इंसान है जिसको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है वो कैसी ब्रीदिंग लेगा आपकी, कैसे ब्रीद करेगा, बहुत स्लोली ब्रीद करेगा, ठीक है। तो ये स्लो ब्रीदिंग की वजह से जो ये स्लो ब्रीदिंग है इसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे आपका ब्रीथ ले रहा है, यानी कि इनहेलेशन एक्सहेलेशन बहुत स्लो हो रहा है, तो अमाउंट ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल है वो भी कम हो जाएगा, है ना। जो CO2 बाहर निकल रही है वो भी बहुत स्लो रेट में बाहर जाएगी, है ना। तो इसकी वजह से, स्लो ब्रीदिंग की वजह से क्या हुआ, आप क्या बोलेंगे, इसकी वजह से जो आपका CO2 रिमूवल है वो क्या हो गया आपका, कम हो गया। और आप जानते हो अगर CO2 आपकी बॉडी से, आपके ब्लड से रिमूव नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से CO2 क्या करता है आपका, CO2 की वजह से क्या होता है, एसिडिक नेचर है ना CO2 का, तो क्या होगा आपका जो एसिडिक आपका एसिडिटी है ब्लड की वो इंक्रीज हो जाएगी, एसिडिक कैरेक्टर आपका बढ़ रहा है। तो CO2 रिमूवल की वजह से क्या होगा आपका, जो एल्कलोसिस है वो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज जो एसिडिक कंटेंट है वो आपने बढ़ा दिया है, इसीलिए एल्कलोसिस क्या हो गई, कम हो गई। यानी कि जो पीएच कितना था, 8.4 था, वो ये एसिड के बढ़ने की वजह से, CO2 के ब्लड में ही रहने की वजह से ये वापस कहाँ पहुंच गया, 7.4 के अप्रॉक्स पहुंच गया। तो ये क्या हुआ आपका, हो गया पीएच नॉर्मल हो गया ना। तो ये अब बात ये आती है कि जो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है उसके सिम्टम क्या होते हैं, लाइक एसिडोसिस हमने डिस्कस किया तो एल्कलोसिस भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी इंसान में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, फर्स्ट कंफ्यूजन, ठीक है। जो पर्सन है वो बहुत कंफ्यूजिंग सा फील करेगा क्योंकि ये सीधे आपके CNS के साथ इंटरफेयर कर रहा है एल्कलोसिस। सेकेंड जो है आपका सिम्टम वो क्या है, आपका नमनेस, ठीक है, आपकी जो फिंगर है आपकी, आपका हैंड हो गया, आपकी फीट हो गया, इसमें क्या होगी, आपको नमनेस सी फील होगी, ठीक है।
तीसरा आपकी मसल्स में स्पाज्म आपको फील होगा, ठीक है, ट्विचिंग आपको फील होगी, ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं हल्के हल्के, और स्पाज्म आप सबको पता है ऐठन होना है ना। तो इस टाइप के अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि जो पर्सन है उसे क्या है, आपका एल्कलोसिस है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि एल्कलोसिस के ये सिम्टम्स हो सकते हैं। तो यहां से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्सन को एल्कलोसिस हुई है, ठीक है। तो ये दोनों आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से आपका जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है किस तरीके से एसिड बेस बैलेंस करते हैं। ऑब्वियसली ये सेकेंड लाइन डिफेंस है, इसीलिए क्या होता है आपका विद इन मिनट्स एक्टिवेट होता है। और ये प्रोसेस आपकी बेसिकली कहाँ चल रही है आपकी, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा सेलुलर भी चलती है प्लस इंट्रा सेलुलर भी चलती है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, हमारा रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है ऑफ एसिड बेस बैलेंस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम डिस्कस करेंगे यूरिनरी मैकेनिज्म ऑफ एसिड और रीनल मैकेनिज्म ऑफ एसिड बेस बैलेंस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।